तो यार गाइस फाइनली भाई मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का भाई ऑफिशियल टीज़र आ गया है भाई। मतलब इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे इसकी भाई कब ये रिलीज़ होने वाला है, और भाई अब जाके फाइनली भाई इसका जो टीज़र है वो आ चुका है। और भाई इतना ख़तरनाक मतलब इसका जो टीज़र है भाई, इन लोगों ने भाई इसके टीज़र में ही हर कैरेक्टर को दिखा दिया है। मतलब जो कैरेक्टर हमने इसकी प्रीवियस सीज़न में देखे थे भाई एक को भी नहीं छोड़ा है, चाहे वो रॉबिन हो, चाहे वो गुड्डू भैया की बहन हो, या फिर और भी कोई ऐसे कैरेक्टर जो भाई मतलब थोड़े अंडर रेटेड हो, वो तक भाई हमें इसमें दिख गए हैं। वो भी जो इनके कालीन भैया के जो पिताजी हैं उनके बैकग्राउंड नरेशन के साथ साथ ही भाई जो हमारे कालीन भैया के पिताजी हैं वो जब ये लाइन बोलते हैं ना कि घायल शेर वापस लौट आया है, मतलब भाई पूरी तरीके से कालीन भैया की यहाँ पे बात हो रही है, समझ रहे हो। घायल शेर यानी कि हमारे कालीन भैया भाई वापस लौट आए। और अभी हाल फिलहाल आपको पता ही है कि भाई मिर्ज़ापुर की जो गद्दी है वो भाई हमारे गुड्डू भैया संभाल रहे हैं। और भाई मुन्ना भैया तो भाई हमें यार इस सीज़न में देखने को मिलने नहीं वाले हैं भाई, सबको पता ही है। लेकिन यार मतलब मैं सोच रहा हूँ भाई काश यार मतलब कुछ ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए जिससे हमें भाई मुन्ना भैया यार सीज़न 3 में देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों पता है मुझे क्या लगता है, एक रीज़न मुन्ना भैया को सीज़न 3 में नहीं दिखाने का ये भी है क्योंकि भाई देखो मुन्ना भैया मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं कि भाई वो मिर्ज़ापुर सीरीज़ के यार आयरन मैन है। मतलब आप देखो जब तक भाई एवेंजर्स में आयरन मैन था यानी हमारे रॉबर्ट डायनी जूनियर थे, जब तक टोनी स्टार्क था भाई मतलब एवेंजर्स में, तब तक यार बाकी हमें सारे जितने भी कैरेक्टर है वो यार इतने ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगे, हमें सिर्फ भाई हमारा आयरन मैन ही लगा। तो वैसे ही भाई मिर्ज़ापुर में जो हमारे मुन्ना भैया हैं वो भाई यहाँ के आयरन मैन है भाई पूरी तरीके से। मतलब उन्होंने अपने सामने भाई जितने भी कैरेक्टर है, चाहे भाई तुम छोटे त्यागी को ले लो, चाहे तुम बड़े त्यागी को ले लो, चाहे तुम गुड्डू भैया को ले लो, सबको भाई कहीं ना कहीं, हाँ हालांकि भाई गुड्डू भैया को सब लोग पसंद करते हैं लेकिन भाई मुन्ना भैया से ज़्यादा भाई कोई किसी को पसंद नहीं करता। मुन्ना भैया भाई मिर्ज़ापुर के आयरन मैन है, मिर्ज़ापुर के भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर है टोनी स्टार के। तो भाई चलो यार अब वो तो उसमें दिखेंगे नहीं दिखेंगे तो बात की बात है, लेकिन भाई बात करें इसमें जो हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं सबका भाई खतरनाक खतरनाक लुक, कोई भाई कैरेक्टर खुश था, कोई भाई दुखी था, और काफ़ी सारे इसमें ऐसे सीन थे जैसे कि भाई रॉबिन और जो गुड्डू भैया की बहन है वो भाई कोर्ट रूम में बैठे रहते हैं और उसकी बहन जो है रोती रहती है लेकिन रॉबिन बैठा रहता है। तो भाई मतलब आप समझ रहे हो मतलब बहुत यार भौकाल मचने वाला है मतलब इस तरह से कहे तो। साथ ही में हमें इसमें यार बहुत सारी मिस्ट्रीज भी जो है वो सब रिवील होने वाली है, जैसे कि भाई ये रॉबिन कौन है, मतलब यार अभी तक भाई पता नहीं चला कि ये रॉबिन है कौन भाई, इसका परिवार क्या है, इसका खानदान क्या है। अब भाई मैं होप कर रहा हूँ कि भाई सीज़न 3 में यार हमें रॉबिन से रिलेटेड कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को मिले, या फिर ये जो कैरेक्टर है प्रियांशु पेन्युली जो एक्टर है जो रॉबिन का किरदार निभा रहे हैं भाई, वो मतलब यार उसमें थोड़ा और ज़्यादा उभर के आए और मतलब कुछ दिखे कि मतलब ये कैरेक्टर है, या फिर इनको थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले और थोड़ा और अच्छा इनको बेटर इसमें रोल मिले। तो भाई अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भाई गुड्डू भैया के पास अभी सीज़न 3 में ये गद्दी बनी रहती है या फिर भाई कोई दूसरा गुड्डू भैया से मिर्ज़ापुर की गद्दी छीन लेता है। अब ये देखना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई वो छीनेगा तो वो कौन होगा, क्या वो कालीन भैया होंगे या फिर वो क्या बोलते हैं त्यागी होगा या फिर वो कोई दूसरा कैरेक्टर होगा जैसे कि रॉबिन होगा या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर। खैर इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये तो सिर्फ है यार एक रिव्यू वाला मतलब ये वीडियो हैगा, ज़्यादा बातें बोलेंगे तो साला वो पूरा थ्योरी वगैरह सब रिवील हो जाएगा तो भाई अपने को अभी बोलना नहीं है। तो अभी जितनी चीज़ें हैं भाई भाई ये तो है कि टीज़र देख के मज़ा आ गया, मतलब पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया भाई, दिमाग का मतलब उनने वो बना दिया, समझ रहे हो। अभी बोल नहीं सकते अपन थोड़ा कम्युनिटी गाइडलाइन से, पर भाई दिमाग की उनने सही बोलो तो वाट लगा दिया अभी अपनी लैंग्वेज में बोले तो। लेकिन भाई अब मैं बस इसका इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रेलर का, भाई जब टीज़र इतना खतरनाक है तो भाई आप सोचो कि इसका ट्रेलर कितना खतरनाक होगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि भाई जाते जाते कि अगर भाई आपको मिर्ज़ापुर से रिलेटेड कोई और भी चीज़ चाहिए जैसे रॉबिन का मतलब क्या मिस्ट्री है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो के बाद भाई वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना भाई कि मतलब क्या है वीडियो, क्योंकि भाई थ्योरी है भाई, लेकिन देखो बहुत सारी थ्योरी ऐसी रहती है जो भाई एंड में जाके सही भी साबित होती है ना, वो कुछ गलत भी साबित हो जाती है। लेकिन भाई हमारा क्या हम लोग का काम ये है कि भाई जो थ्योरीज निकल के आई है वो सब आप तक पहुँचाना है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद भाई आप उसे भी चेकआउट कर लेना, और भाई आपको मिर्ज़ापुर के जो सीज़न 3 है उसके टीज़र में भाई आप सबसे ज़्यादा मतलब इस पूरे सीज़न में आप किसके लिए कौन से कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो ये भाई मुझे आप जरूर बताना है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि भाई आप कौन से कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मुन्ना भैया मुझे पता भाई मुन्ना भैया के लिए होगी, लेकिन उनके अलावा भी और कौन सा कैरेक्टर है जिनके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।